बहुत अच्छी, जिस तरह आप लोगों ने संघर्ष के टीजर को प्यार और मोहब्बत से भर दिया, उसी तरह भोजपुरी को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि हमारी भोजपुरी भाषा जिसने हमें बनाया है, जिस जो भोजपुरी के लोगों ने हमें बनाया है, जिनके प्यार से हम बड़े हुए हैं, गाने बजाने तो होते रहेंगे, हम तो संगीत से ही आए हैं, आज इस मुकाम पे हैं तो गायकी के बदौलत हैं, सॉन्ग के बदौलत हैं, संगीत के बदौलत हैं। लेकिन एक चीज़, जब आदमी कुछ अच्छा करता है तो हम अपेक्षा भी रखते हैं आप सबसे यही कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद अच्छी चीज़ों को भर भर के दीजिए। तो जीवन में हर पल अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, और ये मौका है आप सबके लिए और हम अपने भाषा के लिए कि हम सबको अब थोड़ा सा जगना है कि अपना भाषा का सिनेमा, ये बहुत कम ऐसे सिनेमा बनते हैं, जो कि मेरा फरिश्ता, आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा जो कि वीएम म्यूजिक के चैनल से आया है, और लाल बाबू पंडित जी, मेघाश्री, पूजा गांगुली से लेकर अमित जी से लेकर श्रद्धा नवल जी तक, प्रकाश जैसी, मैंने सबने, हमारे डीओपी प्रिंस भैया और पूरी टीम में, अरविंद तिवारी जी जो कि हमारे राइटर हैं और कृष्णा बेदर्दी का संगीत है, तो कोशिश है हमारी, बस आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी सिनेमा का अगर प्यार और आशीर्वाद भर भर के देंगे तो, क्योंकि देखिए हमें खुद को बनाने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जब हम खुद को बना के प्रेजेंट करेंगे तो आप सब प्यार देते हैं। तो हमने हमेशा कोशिश यही की है कि हम खुद पे पहले मेहनत करें, चाहे वो अपनी एक्टिंग हो, चाहे अपनी बॉडी हो, या अपना कुछ भी हो, करेक्टर हो। अभी तक हम खेसारी बन के ही काम करते थे, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि खेसारी से हट के कुछ काम करूँ, ताकि आप लोगों को हर वो करेक्टर नज़र आए, क्योंकि हर आदमी के जीवन में कहानी होती है। तो अगर हम इंसान को फॉलो करके चलेंगे तो शायद बेटर, हम कहानी फॉलो करते हैं इसलिए शायद हमारी भोजपुरी पीछे रह रही है या हो जाती है या है, क्योंकि इंसान की कहानी होती है, कहानी का इंसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमें कहानी की ज़रूरत नहीं, हमें हर एक इंसान की कहानी की ज़रूरत है, जिससे हमें प्ले करना चाहिए, और वो टफ होता है क्योंकि खेसारी का बोलने का तरीका अलग है, हमारे संजय बाबू का बोलने का तरीका अलग है। भैया नमस्ते, हर किसी सभी को जो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये टेलर जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भैया से बोला कि भैया ये बहुत बड़ा टेलर होगा, बहुत बड़ा टेलर होगा और बहुत बड़ी फिल्म होगी। टीआरपी और हॉल की बातें हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हॉल सरकार के ऊपर है, जब वो लोग सुधार देंगे तो फिर तो हम लोग का जय जय हो जाएगा। लेकिन जितने भी हॉल है उसमें भी अगर आप लोग भर भर के प्यार देंगे तो सारे हॉल खुल जाएंगे, और सरकार का भी ध्यान हम लोग के भोजपुरी समाज की तरफ, या भोजपुरी के संगीत की तरफ, या भोजपुरी की फिल्मों की तरफ जाएगा। के हुआ पन ना भइल, सब गैर हो गई, दुनिया के माली देख के कौन सजा, हमसे पीछा छोड़ा दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी। तो हमने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से, और सबको मैं ऐसा रहूंगा कि इस टीम से और इस सिनेमा से जुड़ी हुई हमारे रेडी साहब जो कि साउथ से आकर और अपनी भाषा के लिए काम किया उन्होंने, तो दिल से धन्यवाद उनको भी कि उन्होंने भी बहुत प्यार और आशीर्वाद से सिनेमा को बनाने में मदद दी। और कोशिश हमारी है भैया कि हम बेहतर करें और दुनिया की नज़र में अपनी एक अलग छवि बनाए अपने भाषा की। तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज देखिए, गाना गाना आसान है, 5 मिनट का मनोरंजन कराना बहुत आसान होता है, बट 2.5 घंटे की फिल्म, 2.5 घंटे की कहानी में अपने आप को पिरोना, ये बहुत कष्टदायक होता है। 2.5 घंटे अगर आपको रोकना हो तो मुश्किल काम है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 घंटे आप सबको रोका जाए, 2.5 घंटे तक आप मनोरंजन में रहें, 2.5 घंटे तक आप, अगर आप 100 रुपये का टिकट लिए हैं तो आपको लगे कि नहीं यार मैंने एक बेहतर चीज़ें देखी है, तो वो आपका 100 रुपया, वो आपका 1-1 रुपया शायद भोजपुरी को बना सकता है, भोजपुरी को बड़े लेवल पर लेके जा सकता है।
तो हमने कोशिश की है फरिश्ता के रूप में, और मुझे लगता है कि हमारा फरिश्ता आप सब हैं। तो बस मैं अपने फरिश्ता से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हॉल तक दीजिएगा, और ऐसा प्यार दीजिए कि भोजपुरी फिर से एक बार रिवैक हो और हम सब भाई मिल के बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे कि आपने टीजर देखा मेरा संघर्ष का, मेरा कुछ अलग अवतार है उसमें, वो एक अलग दिशा की कहानी है, ये एक अलग दिशा की कहानी है। एक टिपिकल भोजपुरी जो होती है ना, दुनिया अभी तक लड़की के लिए पागल बनते हुए लोग आपने देखा होगा, बट माँ बाप के लिए कोई बहुत कम ऐसे पागल होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए पागल हो जाते हैं। वो क्या है कहानी, जब आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उस माँ बाप को भी गर्व होगा जहाँ हमारे बेटे ऐसे हमारे लिए करते हैं। कोशिश की है हम लोगों ने, तो प्लीज़ बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वेव म्यूजिक के चैनल पे ट्रेलर भी आया है, एक बार ज़रूर देखिए और आप ज़रूर बताइए, और हर आदमी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देगा तो शायद हमारी चीज़ें बड़ी होगी। अगर हम गलत करते हैं तो आप गलत तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम सही करते हैं तो मैं हम सब न्यू चैनल वाले भाइयों से यूट्यूबरों से भी सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हम गलत करें तो प्लीज़ आप मुझसे गलत बोलिए, लेकिन अगर हम कुछ सही करें तो कोशिश करिए कि हाँ दुनिया तक इस भोजपुरी को अगर सही बोलिएगा तो सही देख दुनिया जानेगी, गलत बोलिएगा तो गलत जानेगी। तो अगर सही करें तो उसको सही भी बोलिए ताकि दुनिया उस पॉइंट को भी देखे, उस समस्या को भी देखे कि नहीं यार भोजपुरी में ऐसे भी चीज़ें होती है, सिर्फ यही नहीं होता ये भी होता है। तो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप सब प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा लगता है, आपका गलत भी अच्छा लगता है सही भी अच्छा लगता है, और हमें भी महसूस होता है कि हमने गलत की हमने सही की हमने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबकी मोहब्बत की ज़रूरत है। अभी भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, और हम भी अपने आप को कह सकते हैं कि यार आई एम भोजपुरी से। नहीं तो भोजपुरी में हीरोइनें आने से डरती थी पहले, लेकिन आज जब से टीजर रिलीज हुआ संघर्ष का, फरिश्ता का ट्रेलर रिलीज हुआ, इतने सारे कॉल आने लगे, इतने सारे अदर भाषा के लोगों ने भी जो मेरे पहचान गए हैं सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि यार आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो खुशी मिलती है कि हाँ चलिए हम एक छोटे से भाषा से नहीं बल्कि आज बहुत बड़े भाषा के होकर भी हम अपने भाषा को अपने काम के जरिए कभी प्रूफ नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये मौका है हम सबके लिए, हम सबके हाथों में एक मौका आ जाए, तो कोशिश करिए ताकि हर आदमी अपने आप पे काम करे और ऐसे ही बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने, और बेहतर सिनेमा करके अपने भाषा को अपने राज्य को अपने लोगों का सर ऊंचा करे। तो मेरी कोशिश है, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं तो बखूबी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी चीज़ें बड़ी हो, हम सबकी चीज़ें दुनिया के नज़र में जाए, दुनिया कहे कि यार क्या एक्ट है और क्या एक्टिंग है, क्योंकि सिर्फ गाने से हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते, इतने दिन से तो कर ही रहे हम लोग, कहाँ कर पा रहे, बट मुझे लगता है कि वो एक अलग क्षेत्र हो गया, गायकी एक अलग क्षेत्र हो गई, लेकिन सिनेमा से ही हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे साउथ के लोगों ने क्या, वो भी तो सॉन्ग गाते ही हैं, सॉन्ग लेकर आते ही हैं, और गाने तो चार चार पाँच पाँच ट्रेंडिंग में है, सारे गमा का सारे गाना मेरे ट्रेंडिंग में है, वेव का ट्रेंडिंग में। तो अभी आज एक और गाना एस आर के से भी रिलीज हुआ है, अन्नपूर्णा से रिलीज हुआ है, तो बहुत सारे गाने रिलीज हो ही रहे हैं, वो डेली हो रहे हैं, तो वो 5 मिनट के मनोरंजन है, उससे हम अपने भाषा को बड़ा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम संगीत से सिर्फ मनोरंजन करा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला तो हम कामयाब होंगे, और आप सबकी प्यार की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे सिनेमाओं को आप अगर प्यार देंगे तो मुझे लगता है भोजपुरी छोटी न थी न है न रहेगी। तो बस आप सबका स्नेह और मोहब्बत चाहिए, खेसारी को नहीं, अपने भाषा के लिए, अपने भाषा को बड़ा करने के लिए। तो बस रिक्वेस्ट है, संजय बाबू गाने गाए हैं, आपको कैसे लगा? हमको तो बहुत बढ़िया लगा है ना, मजा आया। इंदर आपको कैसा लगा? आंखों से आंसू आ गए ट्रेलर देख के। मैं कम से कम 200 बार देखा हूँ, 200 मैंने रात 2 बजे तक देखते रह गया, लोगों का रिव्यू भी देखता हूँ, मैं रिव्यू भी सबका देख रहा था, कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो माइनस बोला, चाहे वो टीजर संघर्ष 2 का हो या फरिश्ते के ट्रेलर की बातें हो, तो हर आदमी, मैं खुद ही रोने लगा करके कि मैं किया हूँ ये। तो जब खुद को अपने आप पे भरोसा जब होने लगता है ना, तो चीज़ें बड़ी होने लगती है। मुझे खुद पे भरोसा इस कुछ चीज़ें मैं अपने जीवन में कर जाता हूँ, हर चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, मुझे भी पता है कि जो मेरे हिसाब से सही है वो लोगों के हिसाब से गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मैं सही ही करता हूँ। तो मैं सारे अपने न्यूज़ रिपोर्टर यूट्यूबर जितने भी मेरे भाई हैं, अगर कभी गलत करता हूँ तो आप गलत तो बोलते हो ना, तो अगर सही करता हूँ तो प्लीज़ मैं
प्लीज सही बोलिए। और भोजपुरी के सिनेमा को बढ़ावा देना हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा से भोजपुरी बड़ा होगा, गाने से नहीं। तो हम गाने की बातें तो करते ही रहते हैं, वो 30 सेकंड के रील पे वायरल हो जाना वो छोटी बातें हैं, वो बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 2.5 घंटे की फिल्म को चलाना थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि उसके लिए वक्त और टाइम निकालना पड़ता है। तो हमने कोशिश की है कि आपका टाइम नुकसान नहीं होगा अगर एक बार आप मूवी देखेंगे तो कोशिश हमारी है, क्योंकि साउथ भी ऐसा ही किया और अपने लैंग्वेज को आज हिंदी से भी बड़ा कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे ऐसे सिनेमा को प्यार और आशीर्वाद से भर दें, जब भी रिलीज हो इतना स्नेह आप सब दें, ताकि हम लोग अपने भाषा को इतने बड़े लेवल पे ले जाएं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये मैं जानता हूँ। और आप सबकी ज़रूरत है मुझे, आप चाहेंगे तो ये संभव है, क्योंकि आप लोग मेरे फरिश्ता हैं। और मैं अपने फरिश्ता से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग प्लीज़ एक बार जगिए और जग के और अपने भाषा के लिए जितना कर सकते हैं आप, जितना कर सकते हैं, आपका एक दिन उस हॉल में जाना, हर एक आदमी को एक एक दिन अगर आप हॉल में चले गए तो मुझे लगता है कि हम अपने इस भाषा को बहुत बड़ा कर देंगे। और दुनिया कहेगी कि जब भी मराठी में कोई सिनेमा हिट होता है तो पूरी दुनिया उसकी चर्चा करती है। तो मैं यही चाहता हूँ, किसी भी भाषा का होता है तो पूरी दुनिया उसकी चर्चा करती है और हमें दुनिया फॉलो करना शुरू करती है। तो आप सबका बस प्यार और आशीर्वाद और स्नेह की ज़रूरत है कि आप प्लीज एक बार ज़रूर इस मूवी को देखने हॉल तक जाइएगा। पहली बार कुछ चेंज करने की कोशिश किया हूँ अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्टिंग के बदौलत कुछ कोशिश किया हुआ, हर दिन कोशिश करता हूँ मैं। तो प्लीज़ बस रिक्वेस्ट है आप सबसे, और हम सबको बस प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम कुछ अपने भाषा के लिए कर सके। अभी तक तो हम लोग सिर्फ अपने लिए करते थे, लेकिन अब पैसे के लिए मैं अब काम ही नहीं करता। मुझे लगता है कि हो गया जितना करना था, अपने बीवी बच्चों को अब आजीवन खिला सकता हूँ, उतना हमने कमा लिया, अपने परिवार को देख सकता हूँ। तो अब पैशन के लिए काम करता हूँ कि नहीं, ये मेरा पैशन है, मुझे जो रोल मिलेगा, मुझे भिखारी का मिले, पागल का मिले, या मुझे कुछ भी करना पड़े अपने भाषा के लिए, तो गलत छोड़ के मैं हर वो सही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर क्या हो सके, अपना भाषा कितना बड़ा हो सके। अपने भाषा में बहुत सारी खुशबू है और बहुत सारे इमोशन है जो भी बहुत छुपे हुए हैं, और आज के जनरेशन को बताने की ज़रूरत है, और वो हम सबके माध्यम से ही बताया जा सकता है और सिनेमा के माध्यम से ही बताया जा सकता है। तो प्लीज़ सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग मेरी बातों को प्लीज़ इसको शेयर भी करिए और बताइए कि हम आप सबसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप सबकी मोहब्बत के लिए दिनों रात जगते हैं। तो प्लीज़ आप सबका भी दायित्व बनता है कि जब हम कुछ बेहतर करते हैं तो आप हमें प्यार और स्नेह से भर दीजिए। आप भरते हैं, बट मुझे मैं चाहता हूँ कि एक बार सब आप सब हॉल तक प्लीज़ जाइए और देख के, अगर मुझे मेरा विश्वास है कि आप एक बार अगर इस सिनेमा को देखिएगा तो एक बार नहीं कब से कम 10 बार जाइएगा। ऐसी चीज़ें मैं खुद ही एक्टिंग जब कर रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि टॉप था मेरे लिए, बहुत टॉप था कि एक नॉर्मल आदमी एक पागल की एक्टिंग कैसे करेगा, वो पागल कैसे बनेगा जिसको हर चीज़ समझ में आती है और उसको नहीं समझना है, तो वो थोड़ा सा टॉप जॉब होता है कि मुझे पता है कि पानी का बोतल है लेकिन मुझे नहीं मानना है कि पानी का बोतल है, इसे मुझे दूध बोलना है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा टॉप थी मेरे लिए कि बॉडी लैंग्वेज से लेकर बालों का वो हर वो चीज़, बात करने का तरीका, हर चीज़ चेंज हो गई थी। तो प्लीज़ बस एक बेहतर मूवी बनी है फरिश्ते फरिश्ता, उसको प्लीज़ आप सब प्यार और आशीर्वाद से भर दीजिए और एक बार प्लीज़ हॉल में जाइए और बताइए आप मुझे। शायद आपको फ़ख्र होगा अपने बेटा पे, इस भाई पे, कि हाँ हमारे राज्य का, हमारी भाषा का एक बेटा है जिसका नाम खेसारी है और उसने बेहतर काम किया। तो मैं आप सबको फ़ख्र महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं भी जाकर इस बात को बोल सकते हैं कि आपका बेटा है, हम लोग का बेटा है, एक भाई है जो कि ऐसा काम करता है अपनी भाषा के लिए, चाहे जो भी एवरीथिंग आपके मन में जो भी चीज़ें चलती है अब ज़रूर। और प्लीज़ आप एक बार टेलर देख कर बताइए, आप सब प्रतिक्रिया दीजिए, जो भी यूट्यूबर भाई हमें देते हैं मैं देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, तो अगर अच्छा हमने की है तो प्लीज़ आप उसको सराहिए और दुनिया तक बताइए कि हमारे भोजपुरी भाषा में ऐसी चीज़ें बनती हैं। लव यू, थैंक यू सो मच।